इंग इज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रब्बिल वल है दुरूद बिल्कुल पढ़े क्यों ना पढ़े मैं खुद भी hmm. पढ़ रहा हूं मैंने आज भी पढ़ा है थोड़ा सा सही सॉरी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आ रही थी मुझे द थिंग इज दैट कि दुरूद पढ़ सकते हैं मगर जिनके ऊपर जाहिरी ही या बातिनी या हाजिर हाजिर कैफियत है जन्नत है बदरू है कोई इस तरह के पजस लोग हैं वो बिल्कुल hmm. ना पढ़े क्योंकि वजीफा रात हो जाएगा फिर वजीफा भी रात हो जाएगा और चीज़ जाहिर होने लगेगी फिर एक और मुसीबत हमारे लिए बाकी लोग तरीके से पढ़ें चलते फिरते हुए ना पढ़ें बैठ के अदब आदाब से क्योंकि सबसे अफजल तरीन इबादत है दरूद यानी कि इबादत की अगर फॉर्मेशन में देखा जाए इससे ज्यादा अफजल इबादत कोई नहीं है क्योंकि अल्लाह तला कुरान में खुद फरमाता है पेश करो मेरे प्यारे हबीब पे ख़त्म हो गई बात तो इससे ज़्यादा कोई यानी कि हुक्म भी है वो ठीक है ना मगर तरीके से बैठ के जहाँ नमाज पे नमाज के बाद जो अदब आदाब हैं वजू में पाक साफ होके महरम ना महरम का ख्याल करते हुए जो नमाज की पाबंदी है उससे ज़्यादा सख्ती रखो इसमें ठीक है ना दरूद इतनी अफजल इबादत है तो थोड़ा बहुत पढ़ लें तस्बीह के बराबर या जितने भी आपसे समझ में आए थोड़ा बहुत पढ़ लें कोई बात नहीं है यानी कि ये या इसमें जो है ना यानी कि ना रोकने का ना करने की सवाल ही नहीं है लेकिन जिन जिन लोगों के साथ समझ लो कि जो रुकिया के बैंड में आ रहे हैं जो अंडरस्टैंडेबल या एग्जॉसिज्म के बैंड में आ रहे हैं उनको बिल्कुल कोई चीज़ और चीज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है इट्स लाइक ए मेडिकेशन स्मॉल प्रिंट में एवरी थिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड क्योंकि हर आदमी को मोनिटर नहीं कर सकते हमारे बस का काम नहीं है ना ग्रुप का काम है ना हमारा काम है ये चीज़ और ये मैं बता दूं कि अगर आपने जैसे कि होता है कि कुछ नहीं होगा देख लेते हैं पढ़ के तब ये ख़राब हो गई फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे ये भी मैं बता दूं आगे से सही ये एक मसला है तो जिस जिसने पढ़ना है दरूद मोस्ट वेलकम मगर तरीके से ठीक है ना हाँ ये चीज़ है तरीके से जैसे पढ़ा जाता है दरूद यानी कि अदब आदाब से नमाज के बाद थोड़ी सी एक आध तस्वी ले पेश कर दी है उसके बाद दुआओं के चक्कर में ना पढ़े जब अल्लाह ताला ने कहा कि पेश करो तो मेक श्योर यू डू पेश इट पूरी बात सुनो ना फिर बिल्कुल